शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी और बैटल ऑफ बंगाल में हिंसा की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बताया जा रहा है कि यह हमला हुआ और हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है। जख्मी बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त अस्पताल में भर्ती है जहां इलाज जारी है। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार सियासी हिंसा का दौर जारी है जिसकी तस्दीक करती एक और तस्वीर यहां पर सामने आई है जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की यह तस्वीर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमला किया गया वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए करवाया गया या किया गया है। तो साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह से जख्मी हुए हैं हमले में वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फौरन अस्पताल में उन्हें ले जाया गया जहां इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल की सियासत का जिक्र करें तो लगातार सियासी हिंसा की तस्वीर जो है वो वक्त वक्त पर सामने आती रहती है और खासतौर से क्योंकि विधानसभा चुनाव के ये चरण सामने आ चुके हैं। 8 चरणों में ये चुनाव होना है, 2 मई को नतीजे सामने आने हैं, लेकिन उससे पहले जो ये सियासी हिंसा के नतीजे हैं जो कि खूनी संघर्ष की तरफ तस्दीक करती हुई नजर आती है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्रचार प्रसार से ज्यादा यहाँ पर चुनावी हिंसा जो है वो ज्यादा सामने आ रही है। और एक बार फिर से कानून व्यवस्था यहाँ पर ताक पर नजर आती है। कानून व्यवस्था पर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। घटना के बाद हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है लेकिन तस्वीर लगातार इसी तरह किससे दिखाई देती है।